वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू। आज के इस वीडियो में हम कोऑपरेटिव बैंक के कंप्यूटर सेक्शन में आए हुए 15 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम में आते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस है। सो ये देखिए, ये यहां पे है ऑपरेटिंग सिस्टम और यहां पे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यहां पे यूजर। तो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के इन बिटवीन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एज इंटरफेस काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। दूसरे सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस डायग्राम से आपको ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, ये है कंप्यूटर हार्डवेयर और यहां पे आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये लिनक्स, विंडोज, यूनिक्स, मैक ओएस, तो ये सारे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पे आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ी, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सबसे ऊपर आते हैं यूजर्स। तो सारे यूजर्स कंप्यूटर हार्डवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। ये देखिए, सॉफ्टवेयर्स दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं और बाकी बचे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से चलाते हैं, जैसे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, ग्राफिक्स, डीबीएमएस, ब्राउजर्स एक्सेट्रा। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये देखिए, द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मींस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग। जो कंप्यूटर की वर्किंग में हेल्पफुल होते हैं उन प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट ये देखिए, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स। तो कितने सारे सॉफ्टवेयर रूटीन्स मींस कितने सारे सॉफ्टवेयर्स मिलके एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेटवर्किंग द फुल फॉर्म ऑफ वैन इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन क्या है? नेटवर्क की एक टाइप है। तो और कौन सी टाइप्स होती हैं नेटवर्क की, तो ये भी हम जान लेते हैं। ये देखिए, तो नेटवर्क की कौन कौन सी टाइप्स हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को हम लैन बोल देते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया को हम मैन बोलते हैं एंड वाइड एरिया नेटवर्क को हम वैन बोलते हैं। तो क्वेश्चन इनमें से भी बन सकता है, जैसे यहां पे वैन की फुल फॉर्म पूछी गई थी, सिमिलरली मैन की या लैन की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बता देता हूं कि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो जैसे ऑफिस का, स्कूल का या हाउस का जो नेटवर्क होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स कौन से होते हैं? जो सिटी में या अलग अलग बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने में यूज होते हैं। ऐसे ही
जैसे मल्टीपल सिटीज को, एक से ज्यादा सिटीज को, या फिर डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क यूज होता है उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क बोल देते हैं। तो ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप अच्छे से देख लीजिए, इनमें से भी क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। अब इनकी एग्जाम्पल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे एथरनेट या वाईफाई नेटवर्क, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क में आते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में केबल टीवी नेटवर्क जैसे होता है, और वाइड एरिया नेटवर्क में इंटरनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो इनकी रेंज बताई हुई है 10 मीटर से 1000 मीटर लोकल एरिया नेटवर्क, 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इससे ज्यादा अगर कोई रेंज हो तो वो कौन सा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है कि ब्लूटूथ कौन सा नेटवर्क है, तो ब्लूटूथ एक वायरलेस नेटवर्क है जिसे हम पैन भी बोल देते हैं। पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ब्लूटूथ की रेंज जो है वो अप टू 10 मीटर होती है। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क्स पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने लैन मैन वैन को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उस वीडियो को भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबको गाइड करना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं डालना। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने इस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाना है, तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और स्टेप बाय स्टेप आप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ नंबर सिस्टम, इनमें से कौन सा नंबर सिस्टम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो बूल जो है वो कोई भी नंबर सिस्टम नहीं होता। ये देखिए, ये होते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड है ऑक्टल, थर्ड है डेसिमल, एंड फोर्थ है हेक्साडेसिमल। तो ये चार नंबर सिस्टम होते हैं, इनके अलावा कोई भी नंबर सिस्टम नहीं होता, तो बूल नंबर सिस्टम नहीं है। अच्छा, नंबर सिस्टम में से डिफरेंट तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे बाइनरी का बेस क्या होता है, तो बाइनरी का बेस होता है 2। तो ये भी एक क्वेश्चन है। बाइनरी में कौन कौन से डिजिट्स यूज होते हैं, एंड 0 and 1 डिजिट यूज होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। उसके बाद है ऑक्टल, तो ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। तो ऑक्टल 0 से स्टार्ट होके 7 तक होता है, मींस 8 आते हैं टोटल नंबर्स इसमें। उसके बाद है डेसिमल, तो डेसिमल का बेस होता है 10। तो ये भी एक अगेन क्वेश्चन है। तो 0 से लेके 9 तक इसकी रेंज होती है। उसके बाद लास्ट है हेक्साडेसिमल नंबर, तो इसकी रेंज 0 से स्टार्ट होके 15 तक जाती है। 9 के बाद ए बी सी डी ई एंड एफ जो है वो, जैसे यहां से 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, तो 9 के बाद जो ए बी सी डी है वो कुछ इस तरह से हमें पता चलती है। जब 10 होगा तो वो ए बन जाएगा, सिमिलरली ऐसे ही बाकी नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट वैलिड ईमेल आईडी, इनमें से कौन सी ईमेल आईडी वैलिड नहीं है? तो आप सबको पता होगा कि ईमेल एड्रेस में @ जरूर आता है, तो इन सब में @ है लेकिन यहां पे नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें @ अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन बी कंपाइलर। ये असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये तीनों क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की टाइप्स हैं। तो कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है। तो असेंबलर क्या करता है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही जो इंटरप्रेटर है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, सिमिलर टू कंपाइलर। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस एक ही है कि कंपाइलर जो है वो होल प्रोग्राम को कंपाइल करता है, ये, और ये जो इंटरप्रेटर है ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है या फिर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कंपाइल करता है। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा विच इज यूज इन कंप्यूटर बेसिकली अ, तो यहां पे पूछा है कि जावा क्या है जो कि कंप्यूटर में बेसिकली यूज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब बात आती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो वो लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर में यूज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? जैसे ये देखिए, यहां पे है जावा, सी, सी प्लस प्लस, पीएचपी, पाइथन। तो ये सारी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लेकिन इन लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करना पड़ता है किसकी हेल्प से? अभी मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की हेल्प से इन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में। अच्छा, कंप्यूटर को डायरेक्टली कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर को डायरेक्टली कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में जीरोस एंड वन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ 256 GB कैपेसिटी। अच्छा, स्टोरेज के लिए तो ये चारों चीजें यूज होती हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, SSD, पेन ड्राइव। लेकिन इन सभी में से मोस्ट एक्सपेंसिव कौन सा स्टोरेज है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, SSD। अच्छा, SSD की फुल फॉर्म क्या होती है? कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है। तो SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि हार्ड डिस्क की जगह पे यूज होती है आजकल। तो ये जैसे ये है HDD हार्ड डिस्क एंड ये है SSD। अच्छा, SSD की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी। तो HDD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो HDD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ OCR इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर इज। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्टिकल कार्ड रीडर। यहां पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो यहां पे ये वाली ऑप्शन करेक्ट बनती है। लेकिन मोस्टली OCR की फुल फॉर्म जो है वो ज्यादातर कौन सी यूज होती है? ऑप्टिकल करेक्टर रेकग्निशन। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में OCR की फुल फॉर्म ये दी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 56 डेसिमल नंबर इज। मोस्टली स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही सिंपल मेथड से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और आपको ये क्वेश्चन कभी भी नहीं भूल पाएगा। तो मैं पहले आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं, फिर उसे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 111000। ये देखिए, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, तो मोस्टली अगर 56 को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो मोस्टली कुछ इस तरह से किया जाता है।
जो कि सभी को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है और वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो मैं आज आपको सिंपल मेथड से समझाने वाला हूं हाउ टू कन्वर्ट 56 डेसिमल टू बाइनरी। तो आपने क्या करना है, कुछ इस तरह की सीरीज लिखनी है, ये इस सीरीज को आप अच्छे से रट लो, बिकॉज जब भी आपने डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करनी है तो आपको इसी तरह से करनी होगी। तो ये देखिए, सबसे पहले है वन, उसके बाद उसको डबल कर दिया तो टू, उसके बाद टू को डबल किया फोर, फोर को डबल किया एट, एट को डबल किया सिक्सटीन, तो सिक्सटीन को डबल किया 32। सिमिलरली ऐसे ही आप डबल करते जाओगे तो जितनी मर्जी लंबी सीरीज आप बना सकते हो। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो टू या थ्री डिजिट से ज्यादा नहीं आते, तो यहां तक सीरीज बनाने से आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। तो अब मैं बताता हूं कि 56 को कैसे कन्वर्ट किया। तो आपने इन नंबर्स का टोटल कर लेना है और 56 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए, जैसे 16 प्लस 8 प्लस 32, तो इसका टोटल क्या बन जाएगा 56। तो अब इसका बाइनरी कैसे बनेगा, तो ये देखिए, जिन नंबर्स का टोटल करने के बाद हमारे पास 56 आया, उन नंबर्स के नीचे हमने क्या लिखना है 1, और बाकी जो बच जाते हैं उनके नीचे क्या लिखोगे 0। तो यही इसका बाइनरी नंबर बन गया 111000। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। सिमिलरली अगर आपके पास बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ये वाला नंबर नीचे वाला आपके पास दिया हुआ है, तो आपने इसके ऊपर ऐसे ही सीरीज बना देनी है और वन के ऊपर जो जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। कन्वर्जन से रिलेटेड मैं एक और लेक्चर डाल दूंगा जिसमें मैं 3-4 नंबर्स और कन्वर्ट करके आपको दिखा दूंगा, लेकिन आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट एनी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इन सभी में से कौन सी कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन नहीं है, या ये कह सकते हो कि कौन सी कंप्यूटर की टाइप नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेन फर्म। ये देखिए, ये आपके सामने है कुछ कंप्यूटर्स की टाइप्स, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। तो यहां पे है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ये सारी डिजिटल कंप्यूटर्स की टाइप्स हैं। लेकिन यहां पे मेन फर्म नहीं होता, इसी के स्पेलिंग्स को गलत लिखा था तो वो करेक्ट नहीं था। तो आप इन सभी के नेम्स याद कर लीजिए, आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एनी काइंड ऑफ प्रिंटर। इनमें से कौन सा प्रिंटर नहीं है, तो अगर आपको प्रिंटर्स की टाइप्स के बारे में पता है तो आप इनमें से चूज कर पाओगे कि इनमें से कौन सा प्रिंटर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ड्रॉल। ये वाला एंड ये वाला मींस इंकजेट, डेजी व्हील एंड डॉट मैट्रिक्स, ये तीनों प्रिंटर्स हैं, लेकिन ड्रॉल कोई भी प्रिंटर की टाइप नहीं है। तो आजकल के टाइम पे कुछ इस तरह के प्रिंटर आपने देखे होंगे, प्रिंटर प्रिंटिंग पर्पस के लिए, मतलब पेजेस पे प्रिंट लेने के लिए यूज होता है। तो ये देखिए प्रिंटर की टाइप्स, तो सबसे पहले प्रिंटर्स को इंपैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले मैं बता देता हूं कि इंपैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं। तो इंपैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जिनमें की हैमर यूज होती है और वो रिबन के साथ टच होती है और करेक्टर्स प्रिंट करवाती है। तो जो प्रिंटर्स वॉयस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर्स, और जो प्रिंटर्स वॉयस नहीं करते उन्हें हम बोलते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कौन से प्रिंटर्स हैं जो वॉयस करते हैं, तो उसका आंसर होगा इंपैक्ट प्रिंटर। तो इंपैक्ट प्रिंटर्स की टाइप कौन कौन सी हैं, तो इनके नेम्स आपने याद रखने हैं,
डेजी प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, तो टेलीटाइप राइटर। उसके बाद नॉन इंपैक्ट में आते हैं थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। तो मोस्टली आजकल ये दो टाइप्स के प्रिंटर्स यूज हो रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफिसेस में यहां पे आपने देखा होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो ये वाले प्रिंटर्स यूज हो रहे हैं जो थोड़ी सी आवाज भी करते हैं। तो अब आराम से आप चूज कर सकते हो कि ड्रॉल प्रिंटर कोई भी प्रिंटर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। अगर आपको पता होगा कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, तभी आप बता पाओगे कि इनमें से कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑपेट। ऑपेट कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होती। तो C++, फोर्ट्रन, कोबोल, ये सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। तो अभी अभी मैंने आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में भी बताया था। तो ये सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं जो आपके सामने नजर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन ड्राइव यूज्ड इन कंप्यूटर इज अ। तो पेन ड्राइव को हम कंप्यूटर में किस लिए यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टोरेज डिवाइस। तो पेन ड्राइव को हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है। मोस्टली आपने देखा होगा कि जैसे आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉपी करने हैं या फिर कुछ सॉन्ग या मूवीज कॉपी करनी है, तो आप पेन ड्राइव की हेल्प से डेटा को ट्रांसफर करते हो। तो ये आपके सामने है एक पेन ड्राइव, तो आपने पेन ड्राइव यूज की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लाइट पेन। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम आउटपुट लेते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। तो मॉनिटर की स्क्रीन पे आउटपुट आती है, प्रिंटर पेज पे आउटपुट देता है और प्लॉटर भी पेज पे आउटपुट देता है। लेकिन लाइट पेन जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइट पेन। स्टूडेंट्स, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप स्टूडेंट सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।